हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं, जो बच्चे 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को जन्मे हैं किसी भी मंथ में, तो उनके लिए पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, पढ़ाई में मन लगाने के लिए, अपेक्षित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए एग्ज़ाम से पहले तैयारी किस तरह से करें और किन खास बातों का ध्यान रखें जिससे कि उनका भाग्योदय हो। सफलता का भी कई बार रेशियो बहुत कम हो जाता है। बच्चे भले ही भरपूर तैयारी करते हैं पर पता नहीं ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो जाता है जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर उतना गेन नहीं कर पाता, उतने नंबर नहीं ला पाता और समझ में भी नहीं आता इसका रीज़न क्या रहा है। तो कई सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं जो टिप्स आपको बता रही हूँ इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं और बच्चों को भी आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी, पर्टिकुलर जो नंबर मैंने आपको बताया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, बच्चों अगर 4 अंकी हैं आपके तो उनको 4 आप छोटे छोटे गोमेद लीजिए, छोटे छोटे लेने हैं, सवा सवा रत्ती के समझ लीजिए, सवा दो रत्ती या ऐसा कुछ, जितने भी छोटे से छोटे मिल जाएं अच्छे पीस, 4 की संख्या में लेना और उनका एक पेंडेंट बनवा लेना। उसको चांदी की चैन में बच्चे को पहना दीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चांदी की चैन नहीं पहना सकते तो नीले रंग का धागा ले लीजिए, उसमें पहना दीजिए। राहु देव के मंत्रों का जाप बच्चे से करवाइए, सरस्वती जी की पूजा करवाइए। किसी भी विधवा स्त्री को बुधवार के दिन भोज्य सामग्री का दान या कोई वस्त्र का दान बच्चे के हाथों से करवाइए। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसे मंदिर जहाँ पर सर्प देवता का मंदिर हो वहाँ पर जाकर बच्चे को ढोक लगवाइए, प्रणाम करवाइए। अपने घर के कुल देवता और पितृदेव को भी नमन करवाइए बच्चों के द्वारा, यदि बच्चे उनको विस्मृत करके बैठे हैं, उनका स्मरण नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चों को हो सकता है ये बात मालूम भी ना हो, ये आप ही को बतानी पड़ेगी, पेरेंट को ही बतानी पड़ेगी। तो पितृदेव के लिए बच्चों को, बच्चों के मन में श्रद्धा उत्पन्न करें, क्योंकि जो लोग 4 अंकी होते हैं उनके साथ में एक अदृश्य शक्ति, पितृदेव की शक्ति, पूर्वजों की शक्ति बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, लेकिन वो शक्ति उनको मालूम नहीं होती है। तो हमेशा उनका नमन करके, उनको प्रणाम करके ही कोई कार्य वो प्रारंभ करें। इसके अलावा बच्चों को नीला रंग पहनाएं, नीला रंग पहनने से बच्चों को फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी विशेष परिस्थिति में अगर बच्चा बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहा है, फूड पॉइजनिंग उसको बार बार होती है, जीवन में दुर्घटनाएं हो जाती हैं, या एग्ज़ाम में बराबर मेहनत करने के बाद भी उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपके घर का वास्तु दोष भी देखिए, हो सकता है आपके घर में वास्तु दोष हो या आपका घर टी पॉइंट पर हो। टी पॉइंट क्या है इस पर शीघ्र ही वीडियो दूंगी डिटेल में, वो भी आप देखना और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टी पॉइंट में जो लोग रहते हैं उनके साथ साथ ऐसी घटनाएँ अक्सर होती हैं, कोई आकस्मिक दुर्घटनाएं होना, घर के सदस्यों का बहुत मेहनत के बाद भी अपेक्षित सफल ना होना, ये स्थिति भी निर्मित होती है, तो बहुत सारे दोष होते हैं और आकस्मिक बाधाएं भी आती हैं, तो इन सब चीज़ों से बच्चे को बचाइए आप। इसके अलावा कोई भी जैसे पेन वगैरह रखते हैं तो 4 की संख्या में रखिए, 4 अंक उसके लिए शुभ है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो 4 की संख्या में जब कोई चीज़ रहेगी तो उसको फ़ायदा मिलेगा। वाहन दिलाते हैं बच्चे को तो 4 नंबर का दिलवाएं जिसका टोटल 4 आता हो, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। बच्चा अगर घर से बाहर कहीं रहता है कमरा लेकर, तो ऐसा मकान सर्च करें जिसका कि नंबर 4 हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, स्पेशली बच्चे को फ़ायदा मिलेगा, तो बच्चे का फ़ायदा, पेरेंट का भी फ़ायदा है। तो उम्मीद करती हूँ